टॉपिक मोल फ्रैक्शन. वी आर डिस्कस अबाउट मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड देयर न्यूमेरिकल्स इन लास्ट वीडियो. नाउ वी आर डिस्कस मोल फ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता क्या है बेटा? एक्चुअल में जितना भी एक सॉल्यूशन होता है, हम ये कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है. तो इन दोनों के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम ये कहेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट है, हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी. तो हम क्या कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम बेटा एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं. तो जो सॉल्यूट है, हमने माना कि जो ए है वो क्या है? सॉल्यूट. तो हमने अभी कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट. यहाँ हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो ऊपर भी क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन ए से. ठीक है, हम सिंबल लेके चल रहे हैं, हम राइट करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो हम ये कहेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से. और जो ए है हमारा क्या है? सॉल्यूट. ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने कहा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. अब हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स देखना है किसका? सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी. तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को ए प्लस एन बी. बी का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? सॉल्वेंट. तो एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये तो हमने किसका निकाला? सॉल्यूट का. अब आपसे ये कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हमने एक्स बी से डिनोट किया. बेटा अब यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट. तो हम ऊपर क्या लेंगे? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. ये हमारा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक वन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. डेफिनेशन भी यही है बेटा. तो इसकी हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका? सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी. अब देखो बेटा, ये एक्स ए है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का. और हमेशा बेटा जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज कितना आता है? वन. अब सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. हमने क्या करना है? एक्स ए प्लस एक्स बी. ये क्या हो गया? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन वो हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? एक्स ए की वैल्यू क्या है बेटा? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. एंड प्लस कर दोगे एक्स बी की वैल्यू क्या है? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. और बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज कितना आता है? वन आता है. ठीक है, तो बेटा अगर आपके इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इजीली सॉल्यूट का भी निकाल दोगे और सॉल्वेंट का भी निकाल दोगे. अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है क्या कि सॉल्यूशन जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमें ये ध्यान रखना उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा वन ही आता है. आप वैल्यूज प्लस करके देख लेना, हमेशा वन आएगा. अब देखो बेटा, आपसे ये पूछते हैं, इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या है? वन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा? वन माइनस एक्स बी. ये रिलेशन भी ध्यान रखना है. एंड एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन माइनस एक्स ए. ये वाला रिलेशन भी ध्यान रखना है. क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर सपोज करो
क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन आपको दे दिया। इसमें तो बेटा मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूट का दे दिया और सॉल्वेंट का पूछते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स ए की वैल्यू गिवन रहेगी, वन माइनस करके देखोगे क्या आ जाएगी, एक्स बी की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट का दिया हुआ है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बहुत इजी है बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब एक चीज और बेटा, क्वेश्चन में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आपको करना क्या है, आपको इसमें करना क्या है बेटा, देखो बहुत सिंपल है। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम ये कहेंगे एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो आएगा क्या, देखो ए यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट को, एंड बी किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट को। तो ये देखो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको गिवन मास मिलेगा। ठीक है, मोलर मास हम निकाल लेंगे और इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के और क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब देखो बेटा इसमें भी सेम आएगा, ठीक है, एज इट इज आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब बेटा मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ मोल फ्रैक्शन के बेस पे। मोल फ्रैक्शन के बेस पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है और वो अप्लाई करना है, वैल्यूज आपको मिलेंगी, उसके बेस पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज हमें लेनी है, क्या निकालनी है। तो गिवन आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि क्या क्या रहेगा। तो चलो मैं एक न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको, उसकी हेल्प से हम समझते हैं अच्छे से मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन करेंगे सभी, न्यूमेरिकल है आपके पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। आपको पता है मिथाइल एल्कोहल जो है हम उसको मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ा होगा, तो मिथाइल एल्कोहल भी आ सकता है या फिर इसकी जगह क्या आ सकता है, मिथेनॉल, एक ही चीज है। टू 120 ग्राम ऑफ वॉटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, जब हम इसका आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो गिवन क्या क्या है बेटा इसमें, फर्स्टली मिथाइल एल्कोहल को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमें ये पता चल गया सॉल्यूट क्या है हमारा, मिथाइल एल्कोहल, एंड हमारा सॉल्वेंट क्या है, वॉटर। दिया हुआ क्या बेटा, ग्राम में मास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास, दैट मीन्स हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल, जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट, उसका मास कितना दिया हुआ है बेटा, 60 ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ क्या दिया हुआ है, वाटर, कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो बेटा मास दिया हुआ है, हम जब देखते हैं मोल फ्रैक्शन तो उसमें क्या आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास देखो मिथाइल एल्कोहल का मोलर मास कितना होगा, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ,
मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3OH होता है। अब देखो कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन टोटल कितनी है यहाँ 4, इंटू कर दो 4 से, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा ये देखो, 12, 4 प्लस 16, 20 एंड 32, ठीक है। तो ये आपका आ गया CH3OH का क्या मोलर मास। आप देखो वाटर का मास, वाटर का तो आप सभी को याद होगा कितना होता है 18, 16 प्लस 2 करोगे 18 आएगा। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का वो क्या था, हमें निकालना है XA, XA इज इक्वल टू क्या होगा NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ठीक है। अब देखो बेटा NA की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, NA की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, NA इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया देखो, गिवन मास कितना है 16 प्लस मोलर मास कितना है 32, इसको सॉल्व करो। एंड बी की वैल्यू देखो बेटा 120 गिवन मास है और 18 क्या है बेटा मोलर मास, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या देखो 1.86 एंड 1.66, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, एनए की कितनी है बेटा 1.87 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम देखेंगे एनए प्लस एनबी तो 1.87 प्लस 1.66, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा आंसर क्या आएगा, एक्स ए का आंसर आ गया 0.22, ठीक है। इसको प्लस कर देना फिर डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास क्या आया दिस वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल दिया है, ठीक है। एक्स बी में क्या है बेटा, बहुत सिंपल है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, जब हम ये करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एन बी की वैल्यू 1.66 डिवाइडेड बाय सेम है, जब इन दोनों को बेटा आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8.53, मैंने डायरेक्टली दिया है प्लस करके, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.78। तो ये आपका क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेटा ऐसे हमें सॉल्यूशन करना है किसी भी न्यूमेरिकल का मोल फ्रैक्शन के लिए दिया हुआ हो तो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है इसमें गिवन क्या है, इसमें बेटा मास दिया हुआ है, यहाँ भी मास दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन में क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास मास दिया हुआ है, मोलर मास हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, और फिर हम इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, जैसे ही अप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर देखो मैंने इसी से ये बोलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो बेटा बिना कुछ सॉल्व किए आप अगर इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बिना कुछ सॉल्व किए हुए बेटा टिक मार्क कर देना, ऑप्शन क्या होना चाहिए 1, आंसर आपका 1 होगा। देखो हम करके भी देख लेते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं, ठीक है। तो ये किसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूशन का, तो एक्स ए आपका कितना है 0.22 प्लस और एक्स बी कितना है 0.78, दोनों को प्लस करो, देखो करके कितना आएगा 1, दैट मींस हम ये तो कह रहे हैं, तो बेटा कभी भी आप प्लस करके देखोगे होगा क्या यही आएगा। अब देखो मैंने इसी के बेस पे सपोज ये क्वेश्चन क्या किया, इसमें ये कुछ भी नहीं दिया, मैंने दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज, सॉल्यूट का मैंने मोल फ्रैक्शन दे दिया, एक्स ए की वैल्यू मैंने 0.22 दे दी और आपसे मैंने ये बोल दिया कि एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे बेटा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या था 1 था, एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स ए, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी आपको, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने
बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.22। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, कैलकुलेट करना आपको सॉल्वेंट का। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, आप वैल्यू पुट करोगे xD=1 माइनस xC की वैल्यू कितनी है 0.22। बेटा जब माइनस करोगे तो xB की वैल्यू कितनी आएगी 0.78, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बेटा अब तक जितना भी कराया क्या था, मास परसेंटेज आपको कराया था, आपको स्ट्रेंथ करवाई थी, नेक्स्ट मैंने मोलरिटी करवाया, मोलरिटी करवाया, नॉर्मेलिटी करवाया एंड मोल फ्रैक्शन। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये सारा पार्ट है बेटा मोल कंसेप्ट का। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट न्यू टॉपिक है आपका क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। और बेटा बहुत इजी है, और इसके बेस पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको करवा रही हूं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है बेटा। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, और उसमें आपको मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। तो जिसको हम मास परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा हम वहां पर लेके क्या चलते हैं, मास लेके चलते हैं सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसमें बेटा बहुत सिंपल है, आपको जो कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसमें बेटा क्या होगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट या वन एलिमेंट। ठीक है, मास किसी वन एलिमेंट का होगा, और आप डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड से एंड इनटू क्या करोगे 100। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया क्या, कि C6H12O6 है। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, मास सभी का पता होना चाहिए। एक तो देखो इसमें कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। क्लियर? आप देखो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का है 12, कितने हैं कार्बन 6 प्लस इसका 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 × 6। जब आप इसका निकालोगे तो बेटा आएगा 180। ठीक है, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, हम यहां लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 180 किसका, ग्लूकोज का, या हमारे पास जो कंपाउंड है उसका। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कुट करना है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है किसकी बेटा, ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट हम निकाल किसकी रहे हैं, कार्बन की। तो मास भी कितना लोग किसका लोगे बेटा, कार्बन का मास लोगे। कार्बन का मास क्या होता है 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 180 यहां कर दोगे और इनटू क्या कर दोगे 100 एंड इसको क्या कर लोगे फिर सॉल्व कर लोगे। सेम एज इट इज आपको करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे बेटा, ऊपर क्या आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। तो मास कितना है बेटा हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय कितना आया था आपका 180 इनटू क्या कर दोगे 100 एंड इसको सॉल्व कर लोगे, वो आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। सभी इसको सॉल्व करेंगे बेटा बाद में। परसेंटेज कंपोजिशन आपको किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है।
हम ये कह रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100 आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, ये बहुत इजी है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे आते नहीं है बेटा, नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, या फिर कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा कल हम एक न्यू टॉपिक और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का, बस लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कल मिलते हैं बेटा, ओके बाय, टेक केयर।